राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रही महिलाओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभा पटेल के नेतृत्व में राजभवन की तरफ कूच किया। अपनी 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन लेकर राजभवन की ओर पैदल मार्च निकाला। महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही रोक दिया था। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार और किडनैपिंग जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए महिला कांग्रेस लगातार आंदोलन करती जा रही है। आज हमने यहाँ नारी न्याय आंदोलन किया है। हमारी ये मांग है कि महिलाओं के साथ हर दिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं और अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं। हमारी ये मांग है कि इन अपराधियों के प्रति जो कानून बने हैं उनको सख्ती से लागू किया जाए ताकि उनमें अपराधियों में कानून का भय हो। दूसरी ओर जो आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, आज कहीं ना कहीं उन्हें आरक्षण लागू नहीं कर रहे हैं। इसके लिए जनगणना कराई जाए और जो आरक्षण विधेयक उन्होंने पास किया उसे शीघ्र लागू किया जाए। इसके साथ लाडली बहना में से जो नाम काटे जा रहे हैं वो नाम ना काटे जाए। महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के लाडली बहना योजना का लाभ मिले, हमारी ये सब मांगे हैं और इनको लेकर ही आज हमने सरकार के को ये ज्ञापन देना निश्चित किया है। आज यहाँ से हम शांतिपूर्वक मार्च करेंगे और उसके बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।